हेलो माय डियर किड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आर टुडेज इंग्लिश टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ ए एंड टिक द करेक्ट आंसर एंड मैच देम। सो माय डियर किड्स, यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर एंड मैच देम। आपको टिक करना है करेक्ट आंसर को और मैच करना है करेक्ट पिक्चर से। सो माय डियर किड्स, लेट्स स्टार्ट। दिस इज kite, this is octopus, this is elephant, this is lemon, this is pencil and this is banana. So let's start. A and banana, we have to tick the correct answer. Hame A aur N mein se correct answer ko tick karna hai. As you can see, this is banana, B A N A N A banana. Iska jo first letter hai wo B hai. B a consonant hota hai, isliye hum ए को टिक करेंगे। करेक्ट आंसर होगा ए, अ बनाना। एंड पिक्चर इज हियर, सो वी विल मैच इट लाइक दिस। नाउ माय डियर किड्स, नेक्स्ट देखिए आप, ए एन एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट। आप देखिए माय डियर किड्स, ई एक वॉवल है, जो फर्स्ट लेटर है एलिफेंट का एक वॉवल है, तो हम एन को टिक करेंगे। करेक्ट आंसर इज एन, एन एलिफेंट, एलिफेंट इज हियर, सो वी विल मैच इट लाइक दिस। नाउ माय डियर किड्स, ए एन लेमन, एल ई एम ओ एन लेमन। आप देखिए फर्स्ट लेटर लेमन का एल है, एल एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए को टिक करेंगे। करेक्ट आंसर इज ए, अ लेमन, लेमन इज हियर, सो वी विल मैच इट लाइक दिस। नाउ माय डियर किड्स, नेक्स्ट देखिए आप, ए एन पेंसिल, पी ई एन सी आई एल पेंसिल। पेंसिल में जो पी फर्स्ट लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए को टिक करेंगे, अ पेंसिल। आप देखिए पेंसिल की पिक्चर यहाँ है, तो हम उसे इस तरीके से मैच कर देंगे। नाउ माय डियर किड्स, ए एन काइट, के आई टी ई काइट। काइट का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, देखिए के एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ पर ए यूज़ करेंगे, अ काइट। काइट की पिक्चर यहाँ है, तो हम उसे इस तरीके से मैच कर देंगे। नाउ माय डियर किड्स, देखिए यहाँ पर ए एन ऑक्टोपस, ओ सी टी ओ पी यू एस ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में जो ओ है फर्स्ट लेटर एक वॉवल है, ऑक्टोपस फर्स्ट लेटर ओ है, ओ एक वॉवल है, इसलिए हम यहाँ पर एन को टिक करेंगे। करेक्ट आंसर है एन, एन ऑक्टोपस। एन ऑक्टोपस की पिक्चर यहाँ आप देख सकते हैं, हम उसे इस तरीके से मैच कर देंगे पिक्चर से। अ बनाना, एन एलिफेंट, अ लेमन, अ पेंसिल, अ काइट, एन ऑक्टोपस। So my dear kids, I hope use of A and tick the correct answer and match them is clear to you. We will soon meet with a new topic. Stay safe, stay healthy and do practice it at your home.